ऐसा है रायबरेली अमेठी, ये परिवार से पीढ़ियों का रिश्ता है। ये कई पीढ़ियां बीत गई दोनों जगह की सेवा करते गांधी परिवार की। ये सीटें गांधी परिवार के की हैं, गांधी परिवार के साथ रहेंगे, स्वागत करेंगे। प्रियंका जी हमारी नेता भी उसमें रहेंगी, पूरी यात्रा में रहेंगी। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जो महासचिव हैं अविनाश पांडे वो भी रहेंगे और सभी वरिष्ठ लोग रहेंगे कि कटीले तार लगाकर, कटीले रास्ते में कटिया बिछा कर, बैरिकेड करके उनको रोका जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, किसानों की बात मानी जाए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए राजस्थान से नामांकन किया है। उनके नामांकन करने के साथ ही रायबरेली सीट को लेकर चर्चा तेज हो गई। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी की विरासत को अब रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी संभालेंगी। इसी बीच कांग्रेस के यूपी चीफ अजय राय का बड़ा बयान भी आ गया। राय ने साफ कहा कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीट गांधी फैमिली की हैं। गांधी परिवार का यहां से पीढ़ियों का रिश्ता जुड़ा है, ये सीट गांधी परिवार की ही रहेगी। ऐसे में प्रियंका के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना को और बल मिल गया है। आइए सुनाते हैं क्या बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। देखिए ऐसा है रायबरेली अमेठी, ये परिवार से पीढ़ियों का रिश्ता है। ये कई पीढ़ियां बीत गई दोनों जगह की सेवा करते गांधी परिवार की। ये सीटें गांधी परिवार के की हैं, गांधी परिवार के साथ रहेंगी। माना जाएगी प्रियंका जी अब रायबरेली, निश्चित तौर से अब ये गांधी परिवार की सीट है, गांधी परिवार के साथ रहेगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, प्रियंका गांधी का नाम नहीं है। अब लोग हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि वो परिवार की सीट है पीढ़ियों से। निश्चित तौर से राहुल जी तो सांसद ही हैं, बिल्कुल लड़ेंगे, डंगे की चोट पर लड़ेंगे। और ये अब ये उनको तय करना है, परिवार की सीट है, उनको तय करना है कौन व्यक्ति कहाँ से लड़ेगा। परिवार के साथ सीट रहेगी, इतना मैं कहना चाहूँगा। मैंने कहा परिवार की सीट है, परिवार के साथ रहेगी, बिल्कुल। उनको निमंत्रण दिया गया, उनका स्वागत है, अभिनंदन है, हम लोगों ने बुलाया। अब वो कहीं भी आवे, उनको हम लोगों ने बुलाया, स्वागत है उनका, उनको निमंत्रण देकर हम लोगों ने बुलाया, अभिनंदन। अब वो बातें हमारी जो टीम है, राष्ट्रीय टीम है, हमारे मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में वो पूरी टीम बात कर रही है और बहुत जल्द उसका निर्णय आ जाएगा। ये 20 और 11 सीट का जो चल रहा है, अब ये सब मुझे जानकारी में नहीं है, बहुत जल्द निर्णय वो कमेटी बता देगी। सुना आपने, अजय राय साफ कह रहे हैं कि निश्चित रूप से प्रियंका गांधी लड़ेंगी, परिवार की सीट है तो उनका हक बनता है। सपा से गठबंधन के सवाल पर कांग्रेस के यूपी चीफ ने कहा कि कमेटी बात कर रही है और कमेटी ही इस पर फाइनल फैसला लेगी और यूपी में यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी भी शामिल रहेंगी। के तौर से हमारे राहुल जी की यात्रा सहेद राजा में आ रही है, चंदौली जनपद में बाबा केनाराम की धरती पर, वहाँ पर पूरी तरीके से उसमें हम सब लोग, लाखों कार्यकर्ता, लाखों जनमानस, नौजवान, किसान, सभी लोग स्वागत करेंगे। प्रियंका जी हमारी नेता भी उसमें रहेंगी, पूरी यात्रा में रहेंगी। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जो महासचिव हैं अविनाश पांडे वो भी रहेंगे और सभी वरिष्ठ लोग रहेंगे और स्वागत अभिनंदन करके फिर वो शहीद स्थल पर, वहाँ पर सहेद राजा में शहीदों को नमन करेंगे। उसके बाद रात्रि विश्राम बाबा अवधूत भगवान राम के समाधि स्थल के बगल में वहाँ रात्रि विश्राम करेंगे और 17 तारीख को गोलगड्डा से यात्रा प्रारंभ होकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके आगे भदोही के लिए प्रस्थान करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अजय राय ने बताया कि 16 फरवरी को यात्रा यूपी में पहुंच रही है। चंदौली जिले के सैयद राजा में रात्रि विश्राम के बाद 17 फरवरी से राज्य में शुरू होगी। उन्होंने बताया कि बनारस, अमेठी, रायबरेली में यात्रा के दौरान पब्लिक मीटिंग रहेंगी। किसानों के सवाल पर राय ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। 22 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, मूल कारण हो रहा है, पर अभी जो मेरी जानकारी में बात आई है कि आगे यात्रा जो कंटिन्यूटी में आगे भी जाने की संभावना है और उस पर काम पूरी पार्टी के लोग कर रहे हैं। पब्लिक मीटिंग भी है राहुल जी? पब्लिक मीटिंग है, अमेठी में है, रायबरेली में है और मैं समझता हूँ कि यहाँ बनारस में भी गदौलिया चौराहे पर भी एक पब्लिक मीटिंग यहाँ पर भी रखी गई। ये किसानों का जो आंदोलन है उसको कांग्रेस किस तरीके से रहे? नहीं, किसानों के साथ जो वादा किया था इस सरकार ने कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, MSP देंगे, वो सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। उसी के वादा जो अधूक नहीं किया उसके विरोध में किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए, बात करने के लिए आ रहे थे कि कटीले तार लगाकर, कटीले रास्ते में कटिया बिछा कर, बैरिकेड करके उनको रोका जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, किसानों की बात मानी जाए। कांग्रेस ने कल वादा किया कि हम सरकार में 24 में आएंगे, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और MSP का पूरा फायदा हम किसानों को देंगे। बीजेपी कह रही है कि विपक्षियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान आंदोलन हुआ है।
अब ये तो बीजेपी का काम है, जब बीजेपी काम पूरा नहीं कर पाती, वादा नहीं कर पाती, तो यही आरोप लगाती है। आपने वादा किया था, वादा अपने वादे को तो पूरा करिए, तब आप किसी कोई बात बोल सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को बनारस में दिए अपने बयान में कई बातों को साफ किया है। उन्होंने रायबरेली से प्रियंका गांधी के लड़ने को लगभग हरी झंडी दी है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को यूपी में पूर्व के तय कार्यक्रम अनुसार ही रहने की बात भी कही है। किसानों के मुद्दे पर राय ये कहने से भी नहीं चूके कि बीजेपी वादा खिलाफी करती है। जब मोदी सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पाती तो विपक्ष पर उसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश करती है। वैसे भी एमएसपी किसानों की मांग नहीं सरकार का वादा था, जिसे मोदी सरकार पूरा नहीं कर पाई तो साफ मुकर गई है, जिससे किसान फिर से आंदोलन करने पर आमादा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।